हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। तो मैं आ चुका हूँ आज फिर से आपके लेके आर्क सर्वाइवल का अगला पार्ट। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने एक पेट को टेम किया था और गाइस मैं ऐसे ही घूमते घूमते भाई एक मुझे और मिला, तो मैंने एक और को टेम कर लिया। गाइस इन्होंने मुझे ना इतनी ज़्यादा लूट, मतलब कि मुझे क्राफ्ट फार्म करके दे दी, क्या ही बताएं यार। तो आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा लूट मेरे पास हो चुकी है। तो ये तो नॉर्मल सी आइटम है, ठीक है, ये तो ऐसे मतलब कि मिशन से मिल जाती है। और गाइस ये देखो भाई, वुड देख सकते हो आप, मतलब कि कितनी सारी मेरे पास, मतलब कि क्या क्या मज़ा आ गया यार, ठीक है ना। बहुत तगड़ी तगड़ी इन्होंने मुझे लूट फार्म करके दी। और गाइस मुझे ना ऊपर मुझे लिखा आ रहा है क्राफ्ट एंड एक्वायर्ड फुल क्लोथ सेट। तो गाइस मुझे कपड़े अपने लिए, मैंने कपड़े नहीं पहने यार, नंगा घूम रहा हूँ कल से, क्या बताएं यार। ओके, तो मैं जल्दी से अपने लिए ना कपड़े वगैरह जो है ना वो बना लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा नॉर्मल से सामान चाहिए। तो मैं जल्दी से, सब कुछ है मेरे पास, हाइट चाहिए, फाइबर चाहिए और फ्लेंट चाहिए होता है, फ्लेंट नहीं चाहिए होता है, वो चाहिए होता है क्या बोलते हैं उसको, फाइबर, थैच, हाँ। ओके, तो गाइस कपड़े वगैरह मुझे बन चुके हैं और जल्दी से मैं इनको पहन लेता हूँ यार। डबल टैप से इनको ईजिली आप पहन सकते हो, तो जल्दी से इनको पहन लेते हैं। और गाइस आज मैं सोच रहा हूँ ना, क्यों ना गाइस हम कहीं जाएं और कुछ अच्छा सा अपने लिए टेम करें। वैसे अपना इतना ज़्यादा लेवल हाई तो नहीं है जो मैं इतना भयंकर कुछ टेम कर सकूँगा अपने लिए, पर कोई यार काफ़ी ज़्यादा आइटमें मुझे मिल रही है यार, क्या ही बताएं। और लेवल भी अप हो चुका है, तो जल्दी से अपना लेवल भी जो है ना वो अपना अपग्रेड कर लेते हैं वेट, क्योंकि सामान उठाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है यार, तो इसलिए मैंने अपना वेट जो है ना उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ थोड़ी सी फाइट भी की जाए आज, और अपने लिए कुछ बढ़िया सा भाई, जो भी मतलब कि नॉर्मल सा। अभी मैं बढ़िया नहीं बोलूँगा कभी, अभी मैं बढ़िया नहीं कर सकता हूँ टीम, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे पास अभी मेरा लेवल जो है वो नहीं है यार, ठीक है। तो अभी नॉर्मल सा जो मतलब कि शाकाहारी है, जो मांसाहारी जो नहीं है, शाकाहारी, तो उसको टेम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने लिए एरोस बना लेते हैं, और गाइस हम अपने लिए ये जो है ना धनुष, तो ये धनुष बाण हम दोनों के दोनों बना लेते हैं। और गाइस अभी हम इसको लगा लेते हैं अपनी, अरे यार यहाँ से नहीं लगेगा, इन्वेंट्री से लगेगा भाई मेरे। ये क्राफ्ट वाला ऑप्शन है यार, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्राफ्ट एक जैसा देते हैं यार सामान, क्या ही बताएं। ओके, तो हमने अपने लिए इसका नाम दिया है यहाँ पे बो, जो हमारा ये धनुष बाण है इसका नाम है बो बो बो, वाओ वाओ। ओके, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो चलो गाइस, अभी मैं एक चीज़ और रहेगी, मतलब कि अगर मैं किसी के पैरों को बांधने के लिए ना, एक और मुझे यहाँ पे मिल रहा है ये, हाँ। तो गाइस इसको भी जल्दी से थैच, स्टोन, फाइबर और हाइट चाहिए। ओ गाइस सब कुछ है मेरे पास, हाइट चाहिए थी क्या, चलो देखता हूँ फिर से। तो बना लेते हैं गाइस, जो भी सामान चाहिए था मैंने सब कुछ निकाल लिए। और गाइस अभी मैं जल्दी से इसको 4-5 बना लेता हूँ। और ये जो बायोटॉक्सिन है, तो गाइस ये भी हमें बहुत ही ईजली तरीके से मिल जाते हैं बायोटॉक्सिन, तो मैं आपको बता दूंगा ये क्या चीज़ होती है। इससे क्या होता है ना, तो जो इसको हम टेम कर रहे हैं उसका मतलब कि थोड़ा सा स्टेमिना जो है ना वो डाउन होता है। ये बायोटॉक्सिन हमें मिलता है, ये जो चमक रहे हैं ना पानी में, इनको मार के। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ इसको करूँ टेम यार, ये हमें मारता नहीं है, बाकी बड़ा जानवर तो हम कोई टेम कर नहीं सकते अभी, क्योंकि उसके साथ हम पंगा लेंगे तो भाई ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो बायोटॉक्सिन का काम ये है कि गाइस जब हम किसी एनिमल को आधा डेड करते हैं, तो जब उसको फूड खिलाते हैं, तो उसकी मतलब कि वो जिंदा हो जाता है, ठीक है ना। तो बायोटॉक्सिन से ये होता है कि अगर हम वो भी खिलाएंगे उसको, ठीक है, अगर वो खिलाएंगे तो भाई वो बेहोश ही रहेगा। ओ भाई एक फटके में, वाओ क्या बात है यार, अरे मैं यही तो चाहता था यार, काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे। अभी तो गाइस हथियार नहीं आया मेरे पास, गन वगैरह, जब गन वगैरह आ जाएगी तो फिर तो गाइस
छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। ओके कोई बात नहीं। तो अभी पहले तो मैं अपने लिए ना दो यहाँ पे और मुर्गी हैं, इसको भी तोड़ फाड़ो भाई, मुझे मीट चाहिए भाई। एक एक फटके में ख़त्म हो रही हैं, खोपड़ी उड़ा दी। यार मुझे एक, मुझे ना यार ये जो एरोस मेरी वेस्ट हो रही है ना, मुझे ये एरो वापस मिलनी चाहिए। लेवल 17 का है गाइस, छोड़ूंगा नहीं इसको। इसके पैरों को बांध के बांधते हैं, लेवल 17 यार ठीक है ना, और क्या इससे ज़्यादा भी ज़्यादा कहाँ मिलेगा भाई, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसको कर लेते हैं टीम, तो थोड़ी बहुत तो हेल्प तो करेगा अपनी। अरे मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है गाइस? बहुत बढ़िया, उसके पैरों को हमने बांध लिया है। ये अभी ये शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। अगर ये मांसाहारी होता तो गाइस ये अभी हमें फाड़ देता। इसको जल्दी से हम पहले थोड़ा सा डेड कर लेते हैं, आधा बेहोश कर देते हैं। तो जल्दी से इसको, कितने खाएगा फटके, ये हो गया। ओके तो जल्दी से इसकी इन्वेंट्री में हम बायोटॉक्सिन जो हमारे पास ये है इसको डाल देते हैं, ताकि ये ज़िंदा ना हो सके, इसको खाए और गाइस इसकी जो हेल्थ है ना वो मतलब कि ज़िंदा ना हो जाए, ठीक है ना। ओके तो अभी अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा भूखा रहने देते हैं और हम अपने लिए थोड़ी सी बेरीज, ज़्यादा बेरीज वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं यार, ठीक है यहाँ से। और देख लेते हैं आगे पीछे, इसको थोड़ा सा भूखा, ये भूखा रहेगा ना तो गाइस इससे क्या होगा ना कि जैसे ही हम इसको खाना देंगे ना तो ये जल्दी फास्ट टाइम हो जाएगा। तो एक काम कर दे देता हूँ, चलो गाइस चलो ये खाता रहेगा। और गाइस एक बात, एक चीज़ और देख ले, तो इसका शेडल कौन सा है, तो इसके शेडल को भी हम अनलॉक कर देते हैं। ये हाँ यही है, बहुत सही। तो गाइस इसके शेडल को हमने अनलॉक कर दिए और बहुत ही ईजली, यार यही है ना, हाँ यही है। तो गाइस इसके शटल को हमने अनलॉक कर दिए, अभी जल्दी से जैसे ये टेम हो जाएगा तो गाइस इसको हम शटल पहनाएंगे और इसके हम राइड कर सकेंगे और थोड़ी सी इसके साथ भी फाइट कर लेते हैं यार, देखते हैं भाई। काफ़ी ख़तरनाक है ये, पर इसका मैं इसको टेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़्यादा इतनी स्पीड भी नहीं है और किसी काम मुझे नहीं लगता ये आने वाला है। तो ओ भाई फटका अच्छा मार रहा है वैसे भाई, एरो उसके सीधे मुंह पे लग रहे हैं, पूरे के पूरे दिख रहे हैं। कितने खाएगा ये, मर गया। और मेरे एरो, ओ भाई सारे के सारे एरो भी मिल गए मुझे वापिस, और क्या चाहिए मुझे, यही तो चाहिए था। इसकी भैंस की छोड़ूंगा नहीं किसी को भी अब, इसकी इससे सारा का सारा मीट वगैरह हम निकाल लेंगे बाहर, और मुझे फाइबर, वो फाइबर बोल रहा हूँ, हाइड भी मिल जाएगा भाई, हाइड का बहुत ज़्यादा काम है। और डोडो तू भी जा, अरे मरी नहीं, चलो गाइस ये तो अच्छी बात है ना कि जिसको हम मारते हैं उससे एरो हमें वापस मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलो किसी और को देखते कितना हो गया, ओ भाई होने वाला है ये भी बहुत हार्ड, अरे ये भी बहुत तेज़ी से भागता है इसकी भैंस की, हाँ छोड़ूंगा नहीं इसको भी। ओ खत, अरे भाई पूंछ को लगा इसकी, बहुत सही यार, अरे इतना खतरनाक डैमेज है इसका, बो का मतलब कि धनुष का, बहुत सही यार, गजब मज़ा आ गया यार। ओके तो अभी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी पानी वगैरह, मुझे प्यास लगी है बहुत तेज़, तो मैं पानी भी पी लेता हूँ यहाँ से। और ये भाई ये इसका पता समझ नहीं आ रहा मुझे ये किस काम आता है, पर चलो इसको पहले हम, मुझे मीट और हाइट चाहिए तो इसको मारो, क्योंकि हाइट भाई इसके शेडल को बनाने के लिए हाइट चाहिए बहुत ज़्यादा।
तो जल्दी से यहाँ से हाइड वगैरह निकाल लेते हैं। ये कितने लेवल का है तो ठीक है, वैसे 15 लेवल है इसका, पर चलो कोई नहीं। बहुत बढ़िया, तो अपना जो पेट है वो टेम हो चुका है गाइस, आप देख सकते हो। इसको अभी मैं जल्दी से अपने बेस में लेके जाता हूँ और इसका जो शैडल है ना वो इसको पहनाते हैं, फिर इसके ऊपर बैठ के हम राइड करेंगे। देखते हैं गाइस ये क्या कुछ कर सकता है, ठीक है ना। चलो गाइस अभी ये हमारा वो पहला पेट होगा जिसको हम अपना इसको शैडल पहनाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा पहला पेट है, तो गाइस इसका नाम भी वैसे रखेंगे कुछ, तो वो देखेंगे बाद में। अभी नाम वगैरह मैं कुछ किसी का नहीं रखना हूँ, नाम हम उसी का रखेंगे जो खतरनाक होगा गाइस, खतरनाक। मैं तो यही सोच के बैठा हूँ कब हम उस लेवल तक पहुँचेंगे जिसको हम मतलब कि जिसके ऊपर बैठ के हम ऐसी ऐसी जगह पे जाएंगे यहाँ पे गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा, तो मैं वो चीज़ सोच रहा हूँ। तो पर उस लेवल का अभी मैं नहीं हूँ, तो मुझे उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइस अभी मैं ना पहले इसको शैडल पहना देता हूँ, देखता हूँ ज़रा थोड़ा सा घूम के। बहुत हार्ड, तो मतलब कि होल्ड करके उतर जाता है, एक टैप से ऊपर इसके ऊपर बैठ जाता है। बहुत बढ़िया, ओके। तो गाइस अभी हम जल्दी से चलते हैं और देखते हैं ये फार्म वगैरह कुछ करता है या ऐसे ही है। चलो डोडो को मारते हैं, देखते हैं ये मार पाता है कि नहीं। अरे गाइस यार इसका एम इतना गंदा है ना, बेकार है यार, मेरे काम का तो नहीं लग रहा कुछ, पर ये फार्म कर रहा है। अरे एक डोडो को तो मार दे भाई। ओ मर गई, बहुत सही यार, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो काम आएगा ही। चलो इससे फाइट करते हैं, ओ भाई छोटे छोटे। मुझे ये जो छोटा वाला ये है ना भाई, मैं इसको टेम करूँगा, ये थोड़ा खतरनाक है गाइस, तो करूँगा बाद में, अभी इसको पहले ख़त्म करो जल्दी से। क्या नाम है इसका, बोलते जो भी है, चलो छोड़ो, मर जा भाई। चलो ठीक है, तो मैं ये 4-5 टेम कर लूँगा गाइस, ठीक है ना। तो 4-5 जब टेम हो जाएंगे ना तो काफ़ी ख़तरनाक, मतलब कि इनको मैं ये सिर्फ ऐसे सिपाही रहेंगे मेरे जो मुझ पे हमला करेंगे, ये टूट पड़ेंगे गाइस उसको मारने के लिए। तो मैं इनको इसलिए टेम करूँगा, बस इनको ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाऊँगा जहाँ पे मैं मुझे ये सेव कर सके, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पर ये इजीली टेम भी हो जाएंगे, ठीक है, मीट वगैरह खाएंगे ये, तो मुझे लग रहा है क्योंकि ये मांसाहारी है भाई, शिकार करते हैं काफ़ी भयंकर तरीके से। ओके तो गाइस इस पे तो बैठ के देख लिए, इतनी ज़्यादा तेज़ फास्ट भागता नहीं है, अब इसका लेवल भी लो है, इसका लेवल बढ़ाएंगे, इसकी स्पीड पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और ताकि मैं राइड कर सकूँ इस पर, इसके ऊपर बैठ के दूर दूर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओके तो गाइस अभी मैं लेवल इसका थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इस पर अभी मैं अभी इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, ये फार्मिंग के काम आते हैं, बहुत तकड़ी फार्म कर देते हैं ये यार। मुझे अपना अभी बेस भी थोड़ा सा बड़ा करना है, मैं सोच रहा हूँ मुझे ऐसे छत नहीं बनाना चाहिए था, मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है,
ऐसे सिंपल सा मुझे बस वॉल वगैरह लगाना चाहिए था साइडों पे, और गाइस बस ऊपर छत नहीं बनाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, इसको तोड़ देंगे बाद में जब इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। पर ये टेम्परेली, मतलब कि मैंने सिर्फ ऐसे छोटा सा बेस अपने टेम्परेली रहने के लिए बनाया है। ये कोई लोकेशन ढूंढने के कोई बढ़िया सी जहाँ पे थोड़ा सा खतरा भी ज़्यादा होगा और गाइस ज़्यादा लूट भी पास होगी, ठीक है ना। अभी बहुत कुछ है और मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है। अभी मैं चलता हूँ दूसरी साइड फाइट करने के लिए। मैंने मिशन ऑन कर दिए, मुझे वो जो डिलोप्लोसॉर जो वो जो थूकते हैं यार, ठीक है ना, जिसको मैंने अभी मारा है उसके ऊपर बैठ के, तो मुझे वो किल करने हैं यार, ठीक है। तो मैं, ओ भाई इसके अंदर कुछ है, मर गए भाई मेरा सारा सामान काफ़ी ज़्यादा। अरे उसको लेके चलते हैं ना यार, इसको लेके चलते हैं जल्दी से यार। मेरे भाई बड़ी भयंकर तरीके से मारा यार, पता नहीं क्या था इसके अंदर, पानी के अंदर। अरे उतर जाता है यार, एक तो बड़ा खतरनाक था यार पानी के अंदर, कोई शार्क शार्क वगैरह थी मुझे ऐसा लग रहा था, मछली भाई बड़ी खतरनाक थी यार। ओके तो इसके ऊपर बैठ के चलते हैं और अभी भाई अपनी सामान को तो लेंगे यार, सारा कुछ सामान मेरी लूट सारी की सारी वहाँ पे पड़ी है। एक तो यार ये बड़ा दिक्कत आ रही है मुझे यार, बार बार उसको दबा के रखता हूँ ना मैं। अरे इसको मारना है, और ये देखो शार्क की पूंछ पीछे। अरे कोई है यार आसपास, मुझे वो मुझे ऑप्शन आ रहा है भाई, खतरा है इधर। अरे मर गए भाई, खत्म भाई, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया यार ये तो। ओके कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से चलती हैं। यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया है, अब मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा है, क्या बताएं। तो मैं आ चुका हूँ इस साइड, और गाइस इनको ना थोड़ा सा पीछे भगा के लेके जाता हूँ इधर, ताकि मैं वहाँ से अपनी इन्वेंट्री अपने सामान को ले सकूँ यार। और यहाँ पे कोई ना कोई तो घूम रहा है खतरनाक, घूम क्या रहा है वो मुझे पता नहीं। आ जाओ भाई इधर आ जाओ थोड़ा सा, और चलो गाइस जल्दी से अपनी पेटी जो है ना वो अपनी लूट लेते हैं और अपना सामान लेते हैं यार। अरे यार शार्क घूम रही है, अरे डॉल्फिन जो डॉल मछली है। अरे यार सामान तो ये तर रहा ऊपर, दे दो। अरे यार मछली होगी भाई ये मारती नहीं है, ये अच्छी है। पर एक मछली और है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो गाइस मेरा सामान जो है ना सारा का सारा मिल चुका है, अभी ध्यान देते हैं अपने मिशन की ओर। तो मुझे मिशन बहुत ही ज़रूरी वो कंप्लीट करना है, ताकि मैं अपना लेवल को और बढ़ा सकूं, ताकि मेरा और जो सामान है ना वो अनलॉक हो जाए यार। तो चलो चलते हैं उसको ढूंढते हैं, ये रहे। भागते भागते हम यहाँ पे आ गए गाइस, और गाइस मुझे यहाँ पे ना दो दिख रहे हैं सामने, तो इनको जल्दी से हम ख़त्म करते हैं यार। पास जाके तो मैं इनको मार नहीं सकता, तीन मारने हैं, एक तो हो गया, एक ही रहा। उसको मारने कहाँ जा रहा है, इधर मारना, ख़त्म। दो हो चुके हैं, एक और चाहिए बस। ओके तो अभी मुझे एक और मिल जाए तो मैं वो रहा। ओ भाई साहब बढ़िया, ये पूरा झुंड में रहते हैं यार जहाँ भी रहते हैं। तो मुझे ना ये चार पांच मुझे टेम करने हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा। मतलब एक और आ गया, अरे थूक भैंस की। अरे मुझे एक वो मिल गया, वो मतलब कि उसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज लग रहा है मुझे, और वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। चलो वो भी अच्छा है,
मिशन करके ये होता है कि सामान भी हमें बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है और गाइस अपना जो लेवल है ना वो भी अपग्रेड हो जाता है। तो गाइस अभी हमने मतलब कि आज का मिशन जो है ना वो यही था कि हमें एक जो पेट था वो टेम करना था, ये वाला, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें यही नॉर्मल से टेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और ज़्यादा कुछ अच्छा देखेंगे। तो गाइस आज का पार्ट हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो जिसको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय।